अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। अभी हम तलो जाने मच्छी लेने जा रहे, सुबह की 6 बज गए, नमाज पढ़ के निकले। नहीं, वो सेम है, ये दो टब अलग है, ये अरे वो हटाए की वो चाहिए मुझे, वो चाहिए मुझे हटाए की। हाँ, 1.5 किलो वाला। मैडम ने बांगड़ा लिया है 100 रुपये किलो, एकदम अच्छा फ्रेश। हमारे इधर आती है मैडम माल लेने के लिए, लेकिन अच्छा रहता है, ताज़ा एकदम लेके जाओ। अच्छा एकदम मच्छी मच्छी बताओ वो। तो मैडम ने आलुआ भी लिया है 2.5 किलो का, 500 रुपये किलो, 750 रुपये का लिए ला मैडम ने। अच्छा आलुआ 1 किलो, 1 किलो बांगड़ा मैडम का हो गया। चलो एक फ्री। अच्छा फ्री भी दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज हलवा मच्छी की थाली बनाई, ताज़ी मच्छी एकदम फर्स्ट क्लास उसकी थाली बनाई हमने, एकदम मच्छी टेस्टी का सालन बनाए तहरी दाल के। हमने मच्छी फ्राई अलग तरीके से बनाए, सालन अलग तरीके से बनाए, हरे मसाले में इसका सालन बनाए, हलवा मच्छी का पीली खिचड़ी मूंग दाल की बनाए। अभी इसको कैसा बनाए वीडियो में देखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हलवा मच्छी की ताज़े मच्छी की थाली बना रहे, एकदम टेस्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हलवे का दाल सालन बता रहे।
हल्दोनी नहीं बता रही, सालन बता रही। ये हमने हलवा लिया, हलवे की पीस लिए एकदम फर्स्ट क्लास, तलवजा से लाए एकदम टेस्टी ताज़ा एकदम हलवा है। ये हलवा लिए हैं, एक चुटकी मेथी दाना स्वाद अनुसार नमक, कैरी लिए एक और करी पत्ता लिए बहुत सारा, एक नींबू का रस है। ये हमने तीन टमाटर लिए हैं, एक प्याज लिए हैं, एक टेबल स्पून जीरा पाउडर जीरा लिए हैं, एक कोथमीर लिए हैं और ये लहसुन है दो गट्टी लहसुन है, एक कितना 3 इंच का टुकड़ा अदरक का है, 1 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून गरम मसाला है, 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है। अभी ये पूरा मसाले को पीस के लाएंगे, इसके बाद बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी ये मच्छी को मैरिनेट करेंगे। हमने हल्दी 1 टीस्पून लिए और ये नमक स्वाद अनुसार, इसमें ये नींबू का रस डालेंगे, ये देखो अच्छे से मिक्स करेंगे और मच्छी को लगा देंगे, ये देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मच्छी को ये अच्छे से लगा देंगे। मुंडी भी लिए हैं और मच्छी भी लिए हैं, अभी अच्छे से मिक्स हो गया, अभी इसको साइड में रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तेल गरम हो गया, अभी क्या करेंगे, मच्छी को फ्राई करेंगे। ऐसा अगर मच्छी फ्राई करके ये करेंगे, पहले हमने बहुत सालन देखा बताया आपको मछली फ्राई करके डालने के लिए, वो भी देखो, पहला भी वीडियो देखो, अभी का भी देखो। हाँ, और इसमें मेरे चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, रोज रोज वीडियो बनाती मैं, लाइक करने का। देखो अभी मच्छी को फ्राई करके निकालेंगे, एक तरफ से 2 मिनट, एक तरफ से 2 मिनट, एक तरफ से 2 मिनट, क्योंकि आधी इसमें पका लीजिए, आधी सालन में पका लीजिए, पूरी पकाने की नहीं है। देखो हो गई, देखो ऐसी फ्राई करनी थी, ज़्यादा जलाने की नहीं, देखो ऐसा सालन बना के खाओ, फिर हमें बताओ कैसा लगा। मच्छी फ्राई हो गई, अभी इसको निकालेंगे, नींबू का पानी जो हल्दी का पानी है ना, इसी के अंदर निकालेंगे, ये फेंकने का नहीं पानी, इससे टेस्ट और अच्छे आएगा, एकदम टेस्ट की फर्स्ट क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तेल हमने डाले 2 चम्मच भर के और ये अभी मेथी दाना डालेंगे। मेथी दाना अच्छे से तरक गया, अभी पूरा करी पत्ता डालेंगे, करी पत्ते को अच्छे से तरक ले देंगे। करी पत्ता डालते टाइम चेहरा पीछे करने का, मैं तो अपने चेहरे पे आँख में जा सकता है, ये देखो हो गया। अभी जो मसाला पीस के लाए ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मसाला डाल के अच्छे से इसको 10 मिनट तक भूनेंगे। प्याज डाले ना फूल, इसमें 5 मिनट नहीं 10 मिनट तक भूनेंगे, तेल ऊपर आने तक भूनेंगे अच्छे से। मसाले को अच्छे से भूनने का, तेल ऊपर आने तक अच्छे से भूनेंगे 10 मिनट तक। नमक स्वाद अनुसार डाल दिए, अभी अच्छे से भूनेंगे, तेल ऊपर आने तक ढक्कन दो इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसाला हो गया अच्छे से भून के, अभी इसको अच्छे से चम्मच चलाएंगे, ये देखो अभी इसमें पानी डालेंगे, मसाले का पानी है ना वो पानी डालेंगे, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला जाता है, फिर भी आपको अगर ज़्यादा मिम्बर है तो डाल सकते हो। अभी इसमें कैरी डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैरी जगह आपको कैरी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी कैरी का टाइम ख़त्म हो गया है, कैरी मिलेगी नहीं, तो इसमें आप खटाई डालो, कोई भी इमली की डालो, कोकम की डालो, कैरी की डालो, कोई भी खटाई डालो। अभी इसको 5 मिनट और पकाएंगे।
मच्छी के सालन को अच्छे से उबाल आ गया, कहरी अच्छे से पक गई। देखो अभी क्या करेंगे, इस टाइम इसमें मच्छी डालेंगे। आपको बता रहे मच्छी हमने फ्राई किए, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। देखो कैसे डाल, इसमें नींबू का पानी भी है साथ में। देखो ऐसा अच्छे से पोंछ के डालेंगे। अभी थोड़ा सा ऐसा अलग करेंगे। अभी इसमें चम्मच नहीं चलानी बिल्कुल। अभी इसको बारीक गैस पे 10 मिनट और पकाएंगे, ऐसा ढककर रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। देखो एकदम फर्स्ट क्लास मच्छी पक के तैयार है, एकदम फर्स्ट क्लास ऐसी पकाने की। अभी हरा धनिया डालेंगे इसमें और इसको डिश आउट करेंगे। अपन ये मच्छी का सालन बना रहे, उसके साथ खाने के लिए एकदम टेस्टी खिचड़ी बना रहे। आधा किलो हमने चावल लिए हैं कोलम, उसको धो के लिए स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। एक प्याली भर के मूंग की दाल धो के लिए हैं और एक प्याज को चॉप करके लिए एक टीस्पून हल्दी डालेंगे। अब इस और घी डालेंगे एक बड़ा चम्मच भर के। अब इसका तरीका बताएंगे। घी खत्म हो गया है घर में, तो आज हम तेल से खिचड़ी बनाएंगे। नहीं 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 नहीं, घी चाहिए। घी खत्म हो गया, ऐसा क्या? कैसा खत्म हुआ, रहेगा? नहीं है, खत्म हो गया घी। अच्छा चलेगा। रमांद्रियम जो घी है वो घी डालने का, बाकी का तेल डालेंगे। देखो घी खत्म हो गया ना, क्या करेंगे अभी, तेल डालेंगे बाकी का। तेल डाल, खिचड़ी बना रहे ना, थोड़ा तेल डालो बस। हाँ देखो तेल डाल दिए, अभी क्या करेंगे इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें प्याज डालेंगे। प्याज डालेंगे, प्याज को गुलाबी कलर करेंगे, नमक डालेंगे तो जल्दी से प्याज लाल हो जाता है। ये देखो नमक डाल दिए, प्याज को गुलाबी करेंगे। प्याज का कलर गुलाबी हो गया, देखो बराबर से। हाँ अभी इसमें इसमें मूंग की दाल डालेंगे। मूंग की दाल धोने से, धो के रखने से एक दूसरे को चिपक जाती है, तो ऐसी खुली करके डालनी थी उसके अंदर। मूंग की दाल को अच्छे से भुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी चावल डालेंगे। चावल को 5 मिनट इसके अंदर मूंग की दाल, घी, तेल, प्याज, नमक में अच्छे से भुनेंगे। चावल भुन के हो गया, मैं भूल गई थी प्याज के बाद हल्दी डालने का। आप जब भी बनाएंगे जब प्याज के साथ हल्दी डालो, हम भूल गए थे। इतना सारा बनाने का रहता है, उसमें टेंशन फ्री नहीं रहता है, इसलिए हमने हल्दी अभी डाल दी। अभी हल्दी को भी इसके साथ अच्छे से भुनेंगे। कोई ये देखो अच्छे से भून के हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये पानी डालेंगे 1 लीटर। 1 लीटर पानी डालने से खिचड़ी खुली बनती है और 2 लीटर पानी डालने से खिचड़ी नरम बनती है। तो आपको खुली चाहिए तो 1 लीटर पानी डालो, और अगर नरम चाहिए तो 2 लीटर पानी डालो। अभी इसको ढककर रख के सूखने तक पकाएंगे, फिर बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खिचड़ी देखो अच्छे से सूख गया उसका पानी। अभी इसमें चम्मच चलाएंगे, ये देखो चम्मच चलाएंगे और इसको और 5 मिनट एक बार इस पे रखेंगे। चम्मच ठोकने की नहीं,
चम्मच का ऐसा नहीं निकलता है चावल, ये देखो ऐसा नहीं निकलता है, ये देखो निकल गया ना पूरा। अभी इसको क्या करेंगे, ढक्कन रखेंगे 5 मिनट और दम पे रखेंगे। पक्के तैयार एकदम फर्स्ट क्लास, देखो कैसी खुली खुली बनी एकदम फर्स्ट क्लास, ये देखो। अभी इसमें चम्मच चला रहे ना, देखो कैसी खुली खुली बनी, देखो। अभी इसको डिश आउट करेंगे। ये हलवे का हरा सागर एकदम टेस्टी, ये देखो हमने हलवे की पीस कैसे है, देखो एकदम ताजा हलवा लिए हैं, तलोजा में जाके ले लो एकदम ताजा हलवा। दोधा के लिए गाबोली हलवा के अंदर की ये मुंडी है और ये पीस है। अभी इसका बता रहे आपको। अभी ये कोथमीर लिए बहुत सारी मिर्ची, आप अपने टेस्ट के हिसाब से, एक लहसुन की गट्टी है और 2 टेबल स्पून खोपरा है सूखा वाला और चून है उसकी, और 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून धनिया है, 1 टेबल स्पून जीरा है। इसको पीस के लाने का, ये करी पत्ता डाल के पीस के लाने का, ये देखो। और 1 लहसुन को चॉप, 1 प्याज को चॉप करके लिए, और 1 खटाई लिए हैं, इसकी कैरी की खटाई लिए, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अभी इसका तरीका बता रही, इसको पीस के लाएंगे पहले। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, 2 चम्मच भर के खाली तेल डाले, अफसा तेल नहीं दे दीजिए इनको, ये देखो 2 चम्मच तेल डाल दिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी इसमें प्याज डालें, प्याज डालेंगे, प्याज के साथ नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। नमक डाल दिए, अभी प्याज को लाल करने का है, गुलाबी नहीं करने का, लाल करने का है। अब थोड़ा गुलाबी होने के बाद करी पत्ता डालने का है। देखो प्याज का कलर बदली हो गया अच्छे से। अभी क्या करेंगे, इसमें करी पत्ता डालेंगे, देखो बहुत सारा डाले ना करी पत्ता, प्याज के साथ करी पत्ता डालेंगे ना तो उड़ता नहीं है प्याज, क्योंकि प्याज में पानी रहता ना इसलिए उड़ता नहीं है, नहीं तो ऐसा प्याज के बिना करी पत्ता डालेंगे तो उड़ जाता है। देखो प्याज का कलर ऐसा ही बदली करने का। हाँ अभी क्या करेंगे, इसमें इसमें लाए रहमान मसाला पीस के लाए वो डालेंगे, हरा सालन बना दिया, अच्छे से मसाले को अच्छे से भुनेंगे, तेल ऊपर आने तक भुनेंगे, चम्मच चला चला के भुनेंगे इसको अच्छे से, मसाला अच्छे से भून के हो गया, अच्छी खुशबू आ रही इसकी। अभी इसमें मसाले का पानी डालेंगे और इसके साथ 1 खटाई डालेंगे, कैरी की खटाई, बाजार में जाएंगे कैरी की खटाई बोलेंगे तो मिल जाएगी। अभी इसको अच्छे से उबाल लेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखो अच्छे से उबाल आ गया इसको। अभी क्या करेंगे, इसमें मच्छी डालेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखो पूरी मच्छी डालेंगे इसमें और चम्मच चलाएंगे। अभी चम्मच चलाने का, बाद में चम्मच नहीं चलाने का, बाद में चम्मच चलाने से मच्छी टूटती है इसके लिए, ये देखो। अभी इसको बारीक गैस पे 10 मिनट पकाएंगे ढक्कन रख के, ऐसा ढक्कन रखेंगे। देखो थोड़ी बहुत तरी आई है इसको सालन में, अभी और पकाने का है 10 मिनट, फिर बताते। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मच्छी का हरा सालन बनके तैयार एकदम फर्स्ट क्लास, देखो तेल ऊपर आ गया, अभी इसको डिश आउट करेंगे। Thank you.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो हलवा मच्छी हमने तलोजा से लाए, कितनी अच्छी और कितनी ताज़ी है, कितनी अच्छी मिली। देखो एकदम अभी तक धोए तो भी खून नहीं जा रहा। देखो इतनी टेस्टी मच्छी मिली है। देखो देखिए अच्छे पीस भी अच्छे करके दिया है। हाँ अब बताएंगे, अभी इसको फ्राई बनाने का है। मच्छी को बता रहे आप, ये देखो इतना 1 इंच का टुकड़ा लिया अदरक का, 3 मिर्ची लिए हैं, मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से लो, कोथमीर लिए बहुत सारी, और 1 लहसुन की छोटी गट्टी लिए छील के, इमली लिए हैं, और कॉर्नफ्लोर है 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून बेसन है, स्वाद अनुसार नमक। अभी इसका फ्राई करने का मसाला लगाने का तरीका बता रहे। अभी इसको पीस के लेके आएंगे। इसके लाए अभी इमली को हमने एक पल्प डालेंगे इसका, ये देखो इसको पीस के लाएंगे। लाएंगे मसाला पीस के लेके आए, इमली का पल्प भी डाले और इसको पीस के लेके आए। अभी इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अभी इसको अच्छे से मसाला लगा देंगे। देखो हरा मसाला लगा दिए। अभी ये मिर्ची पाउडर, कश्मीरी मिर्ची पाउडर लगा के अच्छे से उसको कोट करेंगे, थोड़ी हल्दी पाउडर। अभी इसको अच्छे से कोट करेंगे मसाले के अंदर। मसाला लगा के हो गया, अभी इसको आधा घंटा साइड में रखेंगे। तो यहाँ पर जो मच्छी फ्राई करने की थी उसको मसाला लगा के रखे थे, उसके लिए 1 टेबल स्पून यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिए, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक थोड़ा सा ही लिए क्योंकि मसाले में ऑलरेडी नमक है। अभी इसके अंदर हम लोगों ने 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिए, 3 टेबल स्पून ही बेसन लिए। आप चाहो तो 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर की जगह पर चावल का आटा भी ले सकते हैं। अभी इसको जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मम्मी मिक्स करो मम्मी, अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी क्या करेंगे, मच्छी को इसमें अच्छे से लिपट डालेंगे। देखो इसमें हमने रवा नहीं लिए है, अभी हमने आज थाली जो बनाए पूरा अलग तरीके से बनाए, एकदम टेस्टी फर्स्ट क्लास, देखने छोड़ना नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास। जैसी बांगरे की थाली बनाए ना उससे भी अच्छी ये बनाए हैं। इसको भी देखो, उसको भी देखो, पहला चैनल मेरा, बहुत कुछ मैंने पकाई हूँ, बहुत कुछ डाली हूँ, वो भी देखो। नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखो, लाइक रोज करना। ये देखो ऐसी पूरी मच्छी हम मसाले लगाएंगे, कोट करेंगे, फिर फ्राई करते टाइम बताएंगे। तेल गरम करने रखा हुआ है। अच्छा अभी तुमने ये हलवा मच्छी में बताया, तो सिर्फ ये हलवा मच्छी में सालन बनेगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं, हर मच्छी में हर तरह का सालन बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि हलवा मच्छी लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मच्छी अच्छे से कोट करे हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गरम तेल में फ्राई करने का, गरम। एक तरफ से 5 मिनट, एक तरफ से 5 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तरफ से 5 मिनट हो गया, ये देखो अच्छे से, दूसरी तरफ से 5 मिनट, ये देखो ऐसा पूरा पलटी करेंगे और होने के बाद आपको बताएंगे। देखिए हमने पूरे पीस पलटी किए, अभी आपको बताएंगे होने के निकालते टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी क्या करेंगे, मच्छी फ्राई हो गई, अभी इसको निकालेंगे। देखो कितनी फर्स्ट क्लास मच्छी फ्राई हो गई, देखो अभी इसको निकाल रहे हैं, एकदम करक करक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कैसे हैं? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक परवरदिगार सारी दुनिया के लिए मैं दुआ कर रही हूँ। अल्लाह पाक परवरदिगार सबकी मुसीबत परेशानी खलास करे, सबकी बीमारी शफात करे, सबकी उम्र दराज करे। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको खुश रखो, आबाद रखो। अल्लाह पाक परवरदिगार जिसके बच्चों लोग की शादी नहीं उनकी शादी होने दो, जो नौकरी पे नहीं उनको साहिबे उनको अच्छी नौकरी मिलने दो, हक हलाल की नौकरी मिलने दो। जिसको जिसकी गोद नहीं भरी उसको साहिब औलाद होने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार जो हॉस्पिटल में बीमार है
तो अच्छे होके घर पे आने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको सलामत को कुछ रखो, आबाद रखो और सबकी बीमारी शफात कर दो। अल्लाह आए खाली कायनात बख्श दे हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को और हमेशा महफूज रखना। बेरोजगारी से, तंगदस्ती से, रिज़्क की कमी से, रिसवाई से, कर्ज से, मर्ज से, औलाद के दुख नागनानी से, मौत से, पूरी नज़र से, हराम की कमाई से, सेहत सलामती ईमान की बहुत सी दुआ के साथ आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, मेरी रोज की अलग अलग नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज़ अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना खाने आओ। बिस्मिल्लाही वाला बरकतिल्ला। ये देखो मच्छी कैसी पकी है, देखो एकदम फर्स्ट क्लास। देखो कैसी पकी है वो, ये देखो। खाना खाने आओ। ये हरा सालन है और ये लाल सालन है। बिस्मिल्लाह वाला बरकती।